इनकम टैक्स इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2021। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो कंप्लीट देखेगा, तभी सभी क्वेश्चन के आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। आप यहां पर चेक कर पाएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि आप इनकम टैक्स यानी कि आयकर विभाग की आप ऑफिशियल वेबसाइट पर है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक फ्रेंड्स में। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो इनकम टैक्स की ओर से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुई, यानी कि इनकम टैक्स की ओर से इंस्पेक्टर के पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हो चुका है। इस भर्ती में भारतीय किसी भी राज्य से आप आवेदन कर पाएंगे, यानी कि इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी होगी, यानी कि भारतीय किसी भी स्टेट से आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि महिला और पुरुष कैंडिडेट इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। और अगर आप कम से कम 10वीं पास है, यानी कि अगर आपने मैट्रिकुलेशन पास किया हुआ है, तो आप इस भर्ती में आवेदन भी कर पाएंगे। इस भर्ती में आपको जहाँ पर वैकेंसी दी गई है इंस्पेक्टर क्लर्क प्लस आपको यहाँ पर कुछ अदर वैकेंसी भी दी गई है, सभी वैकेंसी की जानकारी के लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखना होगा। और इस भर्ती को सबसे बड़ी बात होगी, इसमें यहाँ पर कोई आपका रिटन एग्जाम यानी कोई लिखित परीक्षा और कोई फिजिकल टेस्ट यानी दौड़ भी आपके यहाँ पर इस भर्ती में नहीं होगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको किस प्रकार डाउनलोड करना है, कहाँ से आपको आवेदन फिल करना हो, सभी जानकारी के लिए वीडियो कंप्लीट जरूर देखेगा। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आप यहां से ज्वाइन कर पाएंगे। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। जो इस भर्ती का रिक्रूटमेंट और उनका नेम रहेगा वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ, यानी कि यहाँ पर इसकी ओर से भर्ती चलेगी। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आपको मैंने तभी लाइक करना, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपको जो नंबर ऑफ पोस्ट दिए गए तो नोट मेंशन यानी कि नहीं बताया गया कितनी वैकेंसी निकाली गई है। जो पोस्ट नेम रहेगा, टोटल आपको यहाँ पर चार प्रकार की वैकेंसी दी गई है। जो पहली वैकेंसी होगी सुपरिटेंडेंट के लिए होगी, प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए होगी, इंस्पेक्टर और असिस्टेंट यानी क्लर्क की आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। अगर हम इस भर्ती के फिजिकल डिटेल के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, केवल और केवल आपके यहाँ पर हाइट नापी जाएगी, जो आपकी हाइट चाहिएगी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए अलग अलग होना चाहिए। आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे जो मेल कैंडिडेट होगी उनकी जो हाइट रहेगी सभी कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर आपका हाइट होना अनिवार्य है। अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट जोन में आती है, जो आपकी हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए 145 सेंटीमीटर आपका हाइट होना अनिवार्य। अब देखें फ्रेंड्स, अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट अकाउंट जोन में आती है, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम बताना है, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट अकाउंट जोन में आती है। तो नीचे हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम जरूर बता कर जाना। इस भर्ती में आपकी रनिंग टेस्ट नहीं होगी, यानी कोई फिजिकल टेस्ट आपका यहाँ पर नहीं होगा रनिंग के लिए। कैन अप्लाई तो इस भर्ती में भारतीय किसी भी राज्य से आप आवेदन कर पाएंगे, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर जो आप करेंगे ऑल ओवर इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत में कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 9,300 से लेकर 34,800 रुपये पर मंथ तक आपका पे स्केल रहेगा, काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के एज लिमिट के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे 18 ईयर से लेकर 48 ईयर के बीच में अगर आप कीजिए तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। जो एज काउंट की जाएगी 1 अक्टूबर 2020 तक की जाएगी, यानी कि 1 अक्टूबर को आपकी न तो 18 से कम हो न 48 से ज़्यादा हो। अगर आप एससीएसटी कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर 5 की छूट मिलेगी, ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 की छूट भी दी जाएगी। इस भर्ती का जो एप्लीकेशन फीस होगा सभी कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री होगा, यानी कि जनरल ओबीसी एससी एसटी आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल फ्री में आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इस भर्ती के फिजिकल डिटेल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके भी चेक कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आपको वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप इस भर्ती की हिंदी में जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। आप यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जिस पेज पर आपको हिंदी में जानकारी दी गई है। अगर हम इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने 10वीं 12वीं पास किया हुआ है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। फिर आपने ग्रेजुएशन भी पास किया हुआ है तो आप यहाँ पर उसके लिए भी आवेदन कर पाएंगे, यानी सभी पोस्टों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रहेगी। अधिक जानकारी के लिए मैं आपको नोटिफिकेशन में बता दूंगा, लेकिन अगर आप कम से कम 10वीं पास है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। अगर आप इस भर्ती का आवेदन करना चाहते हैं, आपके पास ये वाले डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है, फोटो सिग्नेचर, एजुकेशन की सभी डिटेल, डोमिसाइल, कार्ड सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। यानी कि आईडी प्रूफ के तौर पर आपको यहाँ पर कोई आईडी देना अनिवार्य रहेगा। अब देखिए फ्रेंड, जो इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, यहाँ पर केवल और केवल इंटरव्यू रहेगा, यानी कि कोई इस भर्ती में आपकी रनिंग और रिटन एग्जाम आपको यहाँ पर नहीं होगा। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं आपको हमारी वेबसाइट पर आना होगा, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ग्रुप आप हमारे यहाँ ज्वाइन करेंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको यहाँ डाउनलोड
करना होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भरते हुए एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है वो आपके सामने आ जाएगा, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर इस भरते हुए एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। आपको यहाँ पर सबसे पहले फोटो लगाना होगा, आपको यहाँ पर किस पोस्ट के लिए आवेदन करना है उसकी जानकारी देनी होगी और आपको यहाँ पर ये वाला फॉर्म फिल कर लेना है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं किस प्रकार से आवेदन करना है तो उस वीडियो का लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर दिया गया और वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो इन हिंदी। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो वीडियो ओपन हो जाए किस प्रकार से आपको अपना आवेदन फिल करना होगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इस भर्ती को ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डाउनलोड कर पाएंगे। आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर मैं आपको यहाँ पर इसमें थोड़ा जूम करके भी दिखाऊं तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं राजस्व विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी कि आयकर विभाग की ओर से यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आपको जहाँ पर वैकेंसी दी गई वो भी आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। सुपरिटेंडेंट के लिए रहेगी, प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए रहेगी, इंस्पेक्टर के लिए रहेगी, असिस्टेंट क्लर्क के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। और आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फिल करने के बाद आपको जो एड्रेस रहेगा उसका एड्रेस भी आपको हमारी वेबसाइट पर दिया गया है। इस वाले एड्रेस पर आपको यहाँ पर ही अपना फॉर्म फिल करने के बाद सेंड करना होगा। सभी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट का यूज कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।